तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं पनवेल में सिचुएटेड एस्टैब्लिश छत्रपति शिवाजी महाराजा यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, लॉ से रिलेटेड कैसे हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करा रहे हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या कैसे इंटेक्स है, अच्छाई या बुराई या इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको क्या करना है, आखिर तक देखना है। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं या लॉ कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं तो क्या ये आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमें इस वीडियो में आखिर में समझ में आने वाली हैं। सो आखिर तक देखिए, दोस्तों भी शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर की मिलते रहे। वहीं अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट ऑप्शन अपने लिए अगर जाना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, पनवेल में सिचुएटेड है वो मीम तो देखा ही होगा, जल्दी कर भाई पनवेल निकलना है। तो यहाँ पनवेल में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही देखने में अच्छा लगता है क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। हाँ, 2018 में इस्टेब्लिश हुई ये, और ऑब्वियसली बात है महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का तो मतलब जलवा ही है, तो उनके नाम पे ये इस्टेब्लिश हुई है। बहुत सारे कोर्सेस यूजी पीजी पीएचडी लेवल के ये कंडक्ट कराते हैं अलग अलग फील्ड में, लेकिन हम तो लॉ की ही बात यहाँ पे करने वाले हैं क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। रिसर्च इनोवेशन पे फोकस भी ये कर रहे हैं और साथ ही साथ इंडस्ट्री के साथ बहुत सारे कोलैबोरेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। इनका जो अप्रोच हॉलिस्टिक अप्रोच है, बेसिकली जो लीगल फील्ड को बढ़ावा देना है, बाकी के फील्ड को भी बढ़ावा देना है, इनका विज़न तो यही है, लेकिन हम तो लॉ की ही बात यहाँ पे करने वाले। चलिए देखें, 2018 का एस्टैब्लिशमेंट, 30 एकड़ का ये कैंपस, UGCIU का अप्रूवल और साथ ही साथ चार कोर्सेज ये लॉ के कंडक्ट करा रहे हैं जिसमें लगभग 60 का इंटेक आपको देखने को मिल जाता है। csmu.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपको बाकी की भी जानकारी यहां देखने को मिलेगी। तो लॉ में ये कोर्सेज जो यहां ऑफर कर रहे हैं वो एक तो BLLB, BBLLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे जिनके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 4 लाख आपको मिलेगी। 3,80,000 लिखा है, मैं थोड़ा और ऊपर करके 4 लाख बता देता हूँ और 45% 12th में आपके होने चाहिए। साथ ही साथ CVT के बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाएगा। अदरवाइज लॉ के लिए क्लैट वगैरह भी दिया है तो एक ऑप्शन है, और महाराष्ट्र में सिचुएटेड है तो भैया MSTCT के बेसिस पे भी एडमिशन आपको यहाँ पे मिल सकता है, है कि नहीं? तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं ताकि अगर टारगेट आप कर रहे हैं तो एक ऑप्शन आपके पास रहे। LLB 3 ईयर प्रोग्राम और वहीं मास्टर्स LLM प्रोग्राम भी कंडक्ट करा रहे हैं। LLB के लिए 2.5 लाख रुपए का फीस स्ट्रक्चर है, वहीं LLM के लिए 1,60,000 रुपए का फीस स्ट्रक्चर है। LLB के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी फील्ड में 50% से क्लाइंट के बेसिस पे, MSTCT के बेसिस पे, CVT के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। वहीं LLM के लिए भी 45% आपके LLB में होने चाहिए, क्लाइंट CVT PG वाला है ना, और इसके अलावा क्लाइंट PG के बेसिस पे एडमिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। ये बहुत सारी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को क्योंकि फीस स्ट्रक्चर देख रहे हो ना ज़्यादा है महाराष्ट्र में। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन बहुत कम फीस में आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड कराते हैं। तो भैया ये जैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए ये स्कॉलरशिप रखी हुई है, मेरिटोरियस यानी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, अगर 12th क्लास में आपने 95% या उससे ज़्यादा आपने लिए हुए हैं CGPA वगैरह, तो आपको 50% का फीस रिलैक्सेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ऐसे ही रिस्पेक्टिव उससे कम में आपको मिल जाएगा अप टू 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा, 10 से 50% या 50 से 10% जो आपको लगे, किसके लिए, मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए आपके परसेंट के बेसिस पे। इसके अलावा आप देखें दूसरी स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर डिफेंस पर्सनल्स के लिए भी कुछ इन्होंने स्कॉलरशिप रखी हुई है जहाँ पे 25% से 40% तक का आपको यहाँ रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिलेगी जिसमें आपके अच्छे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंटरनेशनल नेशनल स्टेट लेवल पे आप अगर खेले हैं तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 70 to 25 या 25 to 70% तक का यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, फीस में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें रिजर्व कैटेगरी के लिए तो भी यहाँ पे स्कॉलरशिप्स उन्होंने रखी हुई हैं SC ST OBC के लिए, DWS दिव्यांगजनों के लिए, माइनॉरिटी के लिए आपको 35, 20, 25, 15, 20% का रिलैक्सेशन रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में मिल जाता है देखने को। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें तो जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिलेटिव जो हैं या उनके बच्चे हैं, सिबलिंग स्पाउस वगैरह, उनके लिए भी कुछ इन्होंने रखा हुआ है स्कॉलरशिप का प्रोग्राम जिसमें यहाँ पे 25% तक का आपको हाँ फीस में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कोविड का अफेक्टेड बच्चे जो रहे हैं उनसे रिलेटेड असिस्टेंट भी यहाँ पे किया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे जो सिस्टर इंस्टीट्यूशंस हैं इनके उसमें भी आपको कुछ
मिल जाता है रिलैक्सेशन, तो ये डिपेंड करता है आपके लिए। फिर बात कर लें यहाँ पे क्या प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप की या टीचिंग असिस्टेंटशिप जो है उसकी, तो बहुत सारी ये ऑप्शंस आपको स्कॉलरशिप के प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपके लिए जो भी लग जाए यहाँ बेसिकली रिस्पेक्टिव, वो आप एक बार ज़रूर चेक करिए। उनकी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंशनड है, वो मिल जाएगी। अदरवाइज़ खुद से लगता है तो कमेंट करिए, तो हम और डिटेल में इस पर बात कर लेंगे। प्लेसमेंट्स की बात कर लें तो एवरेज यहाँ पे 4 से 5 का, और वही हाईएस्ट 20 लाख का पैकेज बताया, जो मुझे लगता नहीं है 20 लाख मुझे टेक्नोलॉजी के कोर्सेज का ज़रूर लग रहा है, लेकिन इनकी वेबसाइट पे यही मेंशन था इसीलिए यहाँ पे हमने ये रखा हुआ है। तो एक बार फिर भी देखिएगा। रिक्रूटर्स की बात कर लें तो जैसे मारुति सुजुकी हो गई, इसी काउंसिल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, SCL। अब ये देखो यार, ये हैं तो MNCs और अच्छे खासे प्रोवाइड भी कराती हैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स, लेकिन ये आप देखेंगे जैसे गूगल वगैरह, ये जनरली इंजीनियर्स को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। लॉयर्स की इन्हें ज़रूरत होगी भी तो टॉप नोच रखेंगे ना, यहाँ के नहीं रखेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे डाउट होता है हाईएस्ट पैकेज में तो टेक्नोलॉजी के कोर्सेज में ही गया होगा। फैसिलिटीज़ में देखें तो इनकी लाइब्रेरी फैसिलिटी जो रिसोर्सेज से भरपूर है, ऑडिटोरियम, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन, जिमनेजियम, हॉस्टल फैसिलिटी है, कैफेटेरिया जहां हम मैक्सिमम टाइम बिताने वाले हैं, तो ये फैसिलिटीज़ हैं इनकी। साथ ही साथ यहां पे कुछ प्रोज की बात करें तो भैया हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जो हमें देखने में बड़ा अच्छा लगा, और सच्चाई यही है कि इनका देखने में तो ज़रूर अच्छा लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, क्योंकि पनवेल के आसपास इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, सो इंडस्ट्रियल इनके एक्सपोजर जो है वो देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग बहुत सारी इंटर्नशिप के लिए और भी चीज़ों के लिए मिल जाते हैं, ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन है। फैकल्टीज़ इनके एक्सपीरियंस है जो इन्हें रखी हुई हैं, एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स में तो हैं ही। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की ये बात करते हैं, अप्रोच वैसा रख रहे हैं पढ़ाई का, ताकि हम अप टू डेट कर पाएँ इस करिकुलम के साथ, इस माहौल के साथ जो ज़रूरी है वो बना सके, तो ऐसा इनका कहना है, लेकिन वो तो सच्चाई कितनी है वो बच्चे ही जानते हैं। रिसर्च फोकस ये इंस्टीट्यूशन है ऐसा ये बोलते हैं, लेकिन ठीक है, ज़्यादा नहीं लगा मुझे। कॉन्स की बात कर ले तो हाँ यार, दो ओबियस सी बात है यार कि 2018 में इस्टेब्लिश हुआ, अभी इनको कितना ही एक्सपीरियंस होगा बाकी की इंस्टीट्यूशन के साथ, अगर हम कंपेयर करें कोई कंपैरिजन नहीं है। साथ ही साथ एलुमनाई नेटवर्क तो ना के बराबर अभी होगा। रिकॉग्निशन रैंकिंग की तो बात करना ही बेकार है, और अगर जहाँ आ भी रही होगी तो वो दे लेके आ रही होगी भाई सही से। प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड बहुत अच्छे हम नहीं बोल सकते, और फाइनली कॉम्पिटिटिव एज जो है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। अब धीरे धीरे ज़रूर प्रमोट करेंगे खुद को और बाकी की चीज़ों को, बच्चों को, तब जाके ये चीज़ें आएंगी, और इसमें समय लगेगा आराम से। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे ये बात हो गई पूरी किसकी, छत्रपति शिवाजी महाराजा यूनिवर्सिटी जो पनवेल महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, तो आप भी अगर टारगेट कर रहे थे तो मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इसको करना है या नहीं टारगेट करना है। यार और भी ऑप्शंस आपकी प्रोफाइल पे अवेलेबल हैं आपके लिए, केवल महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहाँ भी, ऑल ओवर इंडिया में भी आप चाहते हैं अगर जानना, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। बाकी आपको बता रहे हैं कमेंट करके कि अगला वीडियो क्या होना चाहिए आपके लिए। सो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।